जनपद संभल के बनियाठेड़ थाना पुलिस ने अवैध चरस व गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बरामद माल की कीमत 1,20,000 रुपए। पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्र अधिकारी चंदोसी के कुशल नेतृत्व में जनपद में कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देशन के अनुपालन में बनियाठेड़ थाना प्रभारी राकेश कुमार ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम जनेटा के जंगल में स्थित मुर्गी फार्म से अभियुक्त यामीन को 269 ग्राम चरस व 1,020 अवैध पुड़िया गांजा के साथ गिरफ्तार किया। इस विषय में पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि बनियाठेड़ थाना प्रभारी राकेश कुमार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जनेटा के जंगल में स्थित मुर्गी फार्म से अभियुक्त यामीन को 269 ग्राम चरस व 1,020 पुड़िया अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए है तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। एक खुलासा किया गया है, कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और क्या मामला था? जनपद संभल के SP महोदय के निर्देशन में जो जनपद में अपराधियों के प्रति चलाए जा रहे अभियान में कि इसके क्रम में आज बनियाठेड़ थाने को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जनेटा के जंगल में कुछ लोग मुर्गी फार्म है वहाँ पे स्मैक गांजा बेच रहे हैं। इस सूचना पे थाना बनियाठेड़ के SO अपने पूरी टीम के साथ जनेटा जंगल में गए। वहाँ पे एक मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म में जब वो गए तो वहाँ पे एक व्यक्ति मिला जो उसको जब पकड़े हैं, जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि साहब जमीन के अंदर गाड़ के हम लोग एक ड्रम रखते हैं, उसके अंदर हम गांजा का पुड़िया रखे हैं जो हम जिसको जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसको हम देते हैं। तो जब इन्होंने देखा तो उसके अंदर 1,020 पुड़िया निकली है जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपये आंकी गई है और साथ ही 269 ग्राम चरस भी बरामद हुआ है। ये मांग के अनुसार ये लोगों को अगल बगल के गांव के अगल बगल लोगों को सप्लाई करता है। इस आधार पर बनियाठेड़ थाने ने उसको पकड़ के ले आई है और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है।